धान किणा को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह देव सोहेलारु धान किणा आरंभ करिबे बीजेपी सरकार 3100 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे चासिंग को सरकार किणिबे धान अर्थात चासिंग को पई सरकार किणिबे धान जेउ सोहेलारे पूर्व बीजेडी सरकार 100 टंका बोनस देबे कही चासिंग को देइ नथिले सही सोहेलारु ही धान एमएसपी रे 800 टंका बोनस देइ धान किणिबे बीजेपी सरकार। करा जिवो 3100 टंका जेहेतु गत सरकार 100 टंका घोषणा करी करी दे पारि नथिले तो ए सरकार जेबे प्रधान प्रक्योमेंट करा जिवो सोहेलारु आरंभ। धन्यवाद। किणा को नहीं ये बड़ खबर बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह देव सोहेलारु धान किणा आरंभ करिबे बीजेपी सरकार 3100 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे चासी को थारु सरकार किणिबे धान जेउ सोहेलारे पूर्व बीजेडी सरकार 100 टंका बोनस देबे कई चासी को देइ नथिले सही सोहेलारु ही धान एमएसपी रे 800 टंका बोनस देइ धान किणिबे बीजेपी सरकार। ये चाषी को पाई निश्चित भाव में खुशीर खबर एथिपाई कुआ जाय पारे जो प्रतिश्रुति बीजेपी सरकार देथिले जे सरकार को आसीबा परे ओडिसा रे धान मूल्य 3100 टंका रे किणा जीव सरकार याकु किणिबे। आम सीनियर रिपोर्टर प्रदीप्त महापात्र आम सहित जोड़ी होती बाबद अधिक आलोचना पाई प्रदीप्त जो सोहेलारे बीजेडी सरकार 100 टंका बोनस देबे कई करि नथिले सेई सोहेलारु धान रे जदि आमे देखिबा एमएसपी अर्थात बोनस 800 टंका बोनस दे धान किणिबे बीजेपी सरकार एवं ए कथा आज उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह देव बड़ घोषणा करिसेंती। कहले आज उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक बर्धन सिंहदेव चाषी एक खुशी खबर देखते बड़ घोषणा कर 3100 टंका धान किणा जहा बीजेपी सरकार बीजेपी निर्वाचन जितवा पूर्व जो निर्वाचन प्रतिश्रुति पालन सरकार बजेट समय आज पुल थे जेहतु धान किणा समय पाखे आसापाखि जहाँ सूचना रही नवेम्बर मस धान किणा आरंभ हम निर्धारित तारीख में तो घोषणा ही नहीं उपमुख्यमंत्री जहाँ आज सूचना देखते सोहेला बरगढ़ जिला सोहेलु जो धान किणा प्रक्रिया आरंभ कर कारण आपणकर मन थ पूर्व सरकार समय सोहेलारे ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से चाषी मानू धान अंतर 100 टंका बोनस देवे घोषणा करते कि परवर्त समय बर्ष पर बर्ष बीती चलना और ओडार बीजेडी सरकार गादीच्युत होगा कि चाषी को बोनस धान मिलला ना तेणु से ही सोहेलारु ही चाषी मानू एथर बीजेपी सरकार 800 टंका एमएसपी बोनस देती अर्थात उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती निश्चित भाव में यह चाषी एक खुशीर खबर कारण अनेक चाषी एवं अमल प्रक्रिया अनेक चाषी चली किसी चाषी आउ किसी दिन पर अमल आरंभ करेंगे जहां आप देखा प्रति वर्ष नवेम्बर मस धान अमल होता है मंडी को आसी थाए से अनुसार उपमुख्यमंत्री मंडी को जिते बड़े धान आसो चाषी मान धान आने तार धान किणा प्रक्रिया आरंभ हम तेरे सबुठ बड़ कथा हूँ सोहेलारु जिते बड़े मुख्यमंत्री धान किणा मुख्यमंत्री पूर्व सरकार देखिंट अनेक समय अभोग आसे जे धान रे कटनी छटनी एवं मिलर को मनमानी टोकन लाभ से तमाम समस्या आम चाषी क्षेत्र में देखी कम से कम ये नुआ सरकार आसवापे चाषी ए द्वंद्व दूर हो विशेषकर जोबले 800 टंका बोनस टीए चाषी पाइब यादारा के लाभान्वित हो चाषी टीए कम से कम जो धान बिक्री करें कौन समस्या हेनी आशा करें चाषी टीए निश्चित भाव में आप क्या कहले पूर्व सरकार समय देखी था जिते बेले भी मंडी खोले चाषी मान धान बिक्री प्रक्रिया सरकार धान किणा प्रक्रिया आरंभ करती से समय अनेक चाषी ओडार विभिन्न प्रांत में अभोग आनी था से पक्षर जो मंडी में धान किणा जानेक मात्र कटनी छटनी करा मानने गोटे क्विंटाल दस किलो बार किलो पर्यंत कटनी छटनी करके धान काटि दि जाऊद्वारा कि सहित उत्पादन में जो खर्च करार भरणा हुए ना से चाषी मानक लस हुए अनेक समय एमती भी चित्र देखा मिलता है
যে চাষী মানে যেতবে মন্ডিতে সে ধান বিক্রি করে পারি না এভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে বাধ্য হয়েছি দলাল মানুষ কম দরের ধান বিক্রি করে তো এতে বিজেপি সরকার ওড়িশার নয় সরকার আসবা পরে চাষী মানুষ আশ্বাসনা দিয়েছেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সরকার আসবা পূর্বে তা পূরণ করা যাচ্ছেন সমস্ত চাষীঙ্ক পাখু ধান কিণাযিব এবং পূর্বরু সরকার ঘোষণা করেছেন বা যে টার্গেট রাখিছেন যে এখন পাখাপাখি এক কোটি টন ধান কিনবে চাষীঙ্ক পাখু এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পত্নী ছটনি হচ্ছিল পূর্ব সরকার সময় তা বন্ধ করা এবং যেমনি চাষী মানে কোণী অসুবিধার সম্মুখীন হবে না পূর্ব সরকার সময় জাশুনি যে পত্নী ছটনি করা যাচ্ছিল তা তা উপরে কেমি রোক লাগবে তা উপরে এবার সরকার গুরুত্ব দৌঁ এবং যে মিলর মানক মনমানি চাল পূর্ব সরকার সময় তাহা এখন চলব না তা সরকার আশ্বাসনা দিয়েছেন এবং প্রদীপ্ত আমি কহিপারিবা যে কেবল কথা নুহে কামরে বিশ্বাস করে বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি সে নির্বাচন সময় এবং কইতিলে সরকার আসিবা পরে ধানর সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য বা এমএসপি কথা যদি আমি কহিবা যে 3100 টাকা কিনিবে চাষীঙ্ক ঠারু এবং ইয়ে 800 টাকা বোনস আকারে চাষী মানে লাভান্বিত হেবে যে সোহেলারু বিজেডি সরকার 100 টাকা বোনস দেবে কহি দেই নথিলে সেঠারু 800 টাকা বোনস পাইবে চাষী ইয়ে নিশ্চিত ভাবরে বড় খবর চাষীঙ্ক পাইঁ খুশির খবর মধ্য ধন্যবাদ প্রদীপ্ত মহাপাত্র আমার সিনিয়র রিপোর্টর আম সহিত যোড়ি হইতিলে বাবদরে অধিক সূচনা দেউথিলে তবে কুইন্টাল পিছা 3100 টঙ্কারে কিনিবে সরকার চাষীঙ্ক ঠারু ধানর এমএসপি উপরে চাষীঙ্কু মিলিব 800 টঙ্কার বোনস ইয়ে বড় খবর বর্তমান সময়ে ধান কিণাকু নেই বড় ঘোষণা করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা কৃষিমন্ত্রী কেভি সিংদেও কুইন্টাল পিছা 3100 টঙ্কা সোহেলারু ধান কিণা হব ধানর এমএসপি উপরে চাষীঙ্কু মিলিব 800 টঙ্কা বোনস যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।